तो फाइनली वी आर इन लोधी गार्डन और ये कुछ ऐसा है भाई, इसका मेन गेट ना हो यार, कोई दूसरा रास्ता हो, पर दिखा यहीं से रहा और आई थिंक ये बंद है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। बड़ा मजा होता है, हमको हिमायूं का मुकबरा देख के ज्यादा मजा आया। लोधी गार्डन हमने कहा चलो घूम के आते, देखते कैसा है, देखते पता करते कि क्या सीन है इसके अंदर जाने का। आई थिंक खुला है, खुला है भाई, नेवर लूज योर होप। तो भाई लोधी गार्डन खुला है, खुला है और हम अंदर चले गए। आई डोंट नो टिकट यहाँ लेना होता कि नहीं, पर हम अंदर आ गए और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, अच्छा खासा व्यू है। और यहाँ भी मेरे को लगता है कि कोई मॉन्यूमेंट है। आई नेवर लूज योर होप, पता कभी कभी सही भी हो जाता है, और हमने उसका इंटरेस्ट समझ के अच्छा वो वहीं से भगना लिया, यू टर्न ना लिया हमने। यार नेवर गिव अप, चलते रहो भाई और दिखाओ भी लोधी गार्डन के मजे लो। अब तुम क्या देख रहे हो, मुझे यू देखो, अरे बढ़िया बढ़िया। ये यू हैव टू से इट ब्रो, भाई ये इतना सारा घूमने का और हम अभी यहाँ पर हैं। और भाई साहब अगर ये फ्री आना तो मजा आ जाएगा, इतना बड़ा लोधी गार्डन। तो चलो देख के आते हैं क्या सीन। ओ भैया हमको ये स्पीसीज मिल सकती है यहाँ पर, इतनी सारी बर्ड्स मिल सकती है हमें इसमें से। हमने तोता देखा है, कबूतर देखा है और ये इधर बगल वाली चिड़िया देखी है। और अब इसमें से मैंने ज़्यादातर सब ही देखे, उल्लू भी देखा मैंने। तो भाई ये गार्डन है नब्बे एकड़। तो भाई ये गार्डन है 90 एकड़ में, ठीक है। और 90 एकड़ यानी कि काफ़ी होता है भाई। और ये सुबह 4 बजे खुल जाता है और शाम को लगभग 8 बजे बंद होता है। और ये टोटल ही फ्री है, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इधर घूम सकते हो। तो भाई और क्या लोगे, और गजब चीज है भाई, गजब चीज। अरे यार ये अंग्रेजों को देखे, ये फॉरनर्स को देख के कराओ, देखो देखो उन्हें देखो। फॉरनर कहता होगा देखो देखो, फॉरनर को कोई मतलब नहीं रहता। They don't care. कहता है चूतिए हैं ये लोग। पर अभी मस्त है, इधर को घूमते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या सीन है। हमें कोई बर्फ दिखती है, बर्फ बस रुक नहीं रही है, फोड़े जाते हैं। तो इधर हमें एक पहला बर्ड मिल चुका है, इसे हम शायद ईगल कह सकते हैं। तो भाई ये ईगल है, ठीक है, अब हमें इसके पास जाना पड़ेगा और ये उड़े नहीं, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा शेकी हो रहा होगा तो प्लीज़ देख लेना, होता रहता है। उड़ना मत यार भाई, ओ भाई ऊपर तो इतने सारे हैं, पास वाले को ज़्यादा ज़ूम मारना। ओहो ये है, तो भाई ये ईगल है, हम कितना पास जा सकते हैं इनके। आई थिंक इतना काफ़ी है, इनफ इतना इनफ है सर, और आ सकते हैं क्या हम। क्या बात है, इनफ इतना है, काफ़ी हो गया क्या, झपट्टा मत मारना सर। तो आप इसको देख सकते हो, ऐसा कुछ दिखता है ये, क्यूट है ये। हाँ तो भाई हम उसके ज़्यादा करीब जाना चाहते नहीं थे क्योंकि हमें डर है कि कहीं हम पे वो झपट्टा ना मार दे। पर वो अभी तक बैठी है, पर वो अभी तक बैठी है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है ठीक है बना लो फोटो, मुझे भी फेमस कर दो, तुमने तो होना नहीं है। तो भाई अभी हम यहाँ पर बैठ हुए आके बैठ हैं, थोड़ी देर का रेस्ट ही हमें 5 या 10 मिनट का, देन फिर हम चलना कंटिन्यू करेंगे। आई डोंट नो भाई, हाँ तो हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, ये बंदा होने के पीछे में क्योंकि हम सबसे भागते हुए लोगों को देख रहे हैं। क्या हो मारेगा क्या भाई, आई डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है बताया, एक लड़का लड़की भागे पहले, उसके पीछे एक लड़का और भागा, मुझे लग रहा है लड़की चीट कर रही और उसका बॉयफ्रेंड आ गया, वो किसी और के साथ है या फिर बीवी है,
और उनके पीछे भाग रहा है, और पीछे से एक बोल रहा था भागो भागो यहाँ से, वो जो सामान वामान बेचने वाले थे वो उन्हें बताया था यहाँ से भागो यहाँ। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? तो यहाँ पर ब्रेथ करते हैं, फिर निकलते आगे को। तो भाई हम दोबारा चल चुके हैं भाई, 10 या 15 मिनट रुका होगा आराम से यार। मस्त उधर गैलरी विलेरी थी हमारे बगल पे देखी, और अभी निकल ले आगे को, देखते कैसा है। तो एक और मॉन्यूमेंट है यहाँ पर, ऐसे काफ़ी बनाए गए हैं। और इधर है यार, अभी पता है ना इसको, इसका नाम पता चल रहा है ना मुझको, तो लेट्स सेट वाटरफॉल, क्या बोलेंगे इसका, कुछ तो कहते हैं यार, इसे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा क्लोज जाके दिखा दूँ मैं तुम्हें क्या सीन है इसका। तो यहाँ से लोग जा रहे थे, वो बोले फाउंटेन भी देखना है, ऐसे निम्बार में एक दूसरे का देख के फाउंटेन कहते हैं ऐसे। अबे यार हम दोनों एक दूसरे का देख रहे थे, फाउंटेन कहते हैं ऐसे, अच्छा ऐसा है क्या। तो लग बड़े गजब रहे भाई, सेक्सी बोल सकते हो, और सही है। जाता हूँ मैं लोधी गार्डन, बहुत सही जगह लगी मुझे, बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही भाई, मज़ा ही आ गया, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता शब्दों में। आओ और मज़े लो, सुबह 4 बजे आओ, शाम को 8 बजे जाओ, खाना पैक करा के लाओ घर से। और यहाँ पर है ब्रिज, हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, और ब्रिज के इस साइड भी वाटरफॉल है और इस साइड भी वाटरफॉल है, हम आपको दिखाएंगे। लेट्स सी, इधर से पानी यहाँ तक आ जा रहा है भैंक, ठीक है। तो आई थिंक हम एग्जिट में पहुँच गए, पर हमें एग्जिट तो करना ही नहीं है, हमें तो अभी और घूमना है, तो हम दोबारा से अंदर जा रहे हैं। भाई हमसे ना किसी ने बोला था कि ये 90 एकड़ है, और आई डोंट थिंक सो कि ये 90 एकड़ है, क्योंकि उधर कोने से इधर कोने में हम आ चुके हैं, उधर से कोना इधर से कोना, हमको ऐसा लगता है कि 90 एकड़ ख़त्म बाबा, क्योंकि उसमें 3-4 मॉन्यूमेंट दिखाए थे ना, हमने 3 तो कवर कर लिए हैं, चौथा आई थिंक मिस हो सकता है, बट वी आर फाइंडिंग, बट मजा तो आ रहा है। हम पे मैप नहीं, इधर लैंप जल रहा है, इधर गया, इधर गया, ये जल रहा है आपके सामने, अच्छा एक इधर है, एक बार अभी मतलब लाइटिंग स्टार्ट हो, तो लग मस रहा है शायद वाटरफॉल के ना नीचे साइड में भी वो है लाइट लगे, लाइट है तो वो रात को बहुत प्यारा दिखेगा। तो अभी हम अंदर जाके तुम्हें एक कलाकृति दिखाते हैं, ठीक है। आई थिंक ना आजकल ब्लॉग में बहुत कम बोल रहा हूँ, लोग मजे ले रहे हैं भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, सालों मुझे देखने मजा नहीं आता तुम्हें, लोगों को देख रहे हो तुम, तो कोई बात नहीं। ये देखो, ये क्या चेहरा बना है इसमें, ये फेस है,
फेस में सींग है, फेस में सींग है, ये यूनिकॉर्न है, ह्यूमन यूनिकॉर्न। नहीं है, एक रेलगाड़ी है लेकिन नीचे। ओहो, नीचे रेलगाड़ी है, तुम्हें क्लोज से दिखाते हैं। इसमें आई थिंक कुछ बताना चाह रहे हैं कवि, इसके कलाकार कुछ कहना चाहते थे। वो भी शकल लग रही है, दो आंखें, नाक और मुंह। ओ, इनको ये शकल दिख रही है, और शकल में बिंदी भी लगाई है क्या? वो ऊपर वाला अलग है। ओ, ऐसा है क्या? और हम आपको तीसरी आंखें, हम इस साइड से दिखाएं तुम्हें, इस साइड से ये एक फेस दिख रहा है। हाँ, तो आओ आगे एक्सप्लोर करें। और तो इधर झाड़ है, मतलब कुछ घास फास लगाए प्यारे प्यारे से। और मेंटेनेंस, मैं मेंटेनेंस में अगर यहाँ नंबर देना चाहूँ, पहले तो हम कुछ होता नहीं है नंबर देने वाले, पर फिर भी मैं देना चाहता हूँ भाई, मेरी मर्जी। तो अगर हम इसमें मेंटेनेंस में नंबर दें तो मैं इसको 10 में से 9 दूंगा। मैं 10 में से 10 भी दे सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी साफ जगह है और स्वच्छ है। तो भाई कोई भी यहाँ आओ तो डस्टबिन है यार, हमने कई जगह पर झाड़ पताड़ देखा, मेरा हाथ थक गया। तो हमने कई जगह पर देखा है कि लोग कूड़ा ऐसे ही फेंक के गए हैं, और यहाँ पर हर 5 कदम पर डस्टबिन है भाई। गंदी सोच वालो चालो, ऐसे लोगों को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। हाँ, तो भाई हमको यहाँ पे गोल्डन रिट्रीवर मिला, ये काफ़ी क्यूट है भाई। हम भैया थे यहाँ पर, हम भैया से रास्ता पूछे थे, और भैया का गोल्डन रिट्रीवर हमने कहा, मस्त लग रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू सर। सर का कहना है कि ये काफ़ी बड़ा है, और हम पता नहीं किस हिसाब से घूम रहे हैं। तो फिलहाल हम तुम्हें 2 मॉन्यूमेंट और हैं इधर, वो भी दिखा देते हैं। आई थिंक ये मस्जिद है। yes. तो मस्जिद इतनी होती क्या? आज तक मस्जिद गया नहीं। इधर वो कहाँ है, बाला कौन सी, वो एक मस्जिद है काफी फेमस दिल्ली में। तो भाई जो मेरे सब्सक्राइबर, मत जा। तो भाई कोई जो मेरे सब्सक्राइबर यहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली से हैं, तो मुझे बताना, तो इधर कोई क्यूट सी मस्जिद है, मतलब क्यूट सी का मतलब बढ़िया सी मस्जिद है, तो हम यहाँ जा सकते हैं। आई थिंक यहाँ से रास्ता नहीं है, हम फंस चुके हैं, हमें वापस जाना पड़ेगा। पर ये बहुत प्यारा है, इधर फूल लगे हैं, फूल खिले नहीं है, अगर ये खिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी जगह लगेगी। दिखाते हैं आप। तो ना अभी मेरे उसमें ना बड़ा फनी सा एक चीज़ आया, तो ये पता कैसा लग रहा है, तुमने जोकर मूवी देखी है? जोकर मूवी में वो उनका यान उतरा होता है, तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ इधर कोई यान वान उतरा है। भैया दिल्ली गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपा रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे वहाँ भी एलियन है। इसी का टाइटल ये डाल दूँ क्या, लोधी गार्डन में मिला एलियन के सबूत, इधर निशान बने हैं एलियन के यानों के, लोग हमसे छुपा रहे हैं। ये हिप्पोपोटामस जैसा नहीं लग रहा है, भागता हुआ। मस्त मस्त चीजें बनाई हैं तेरे को। तो अभी हमने दिखाया तुम्हें सामने वाला, ये पीछे वाला भी दिखाएंगे, क्योंकि हम पहले आगे वाला देखने जाएंगे, क्योंकि हम उस टाइम निकल चुके थे, हमने देखा नहीं था। अभी हम क्लोज आके थोड़ा सोच रहे हैं, अंदर भी जाएंगे। अब हम अंदर भी जाएंगे। क्या है ये, शीश गुंबद? शीश गुंबद, तो इसके अंदर जाना अलाउड है क्या? तो भाई भाई मेरे को नहीं पता, अंदर आ सकते नहीं आ सकते, बट हमने भाई से पूछा बाहर, तो उन्होंने बोला हाँ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कब्रें हैं, कब्र मतलब ऐसा जो लोगों को गाड़ देते हैं। देखो भाई, अगर यहाँ आना अलाउड नहीं हो ना, तो मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी भाई। मैं नहीं चाहता तुम अगला वीडियो मेरे ऊपर बना दो कि तू यहाँ गया कैसे। तो ये है बड़ा गुम्बद, ठीक है। और अभी हमने इसके तुम्हें कुछ शॉट्स दिखाए थे, देन अभी हम इसको तुम्हें ऊपर जाके दिखाएंगे, बड़े गुम्बद को।
तो ये किस किस तरीके का गुम्बद है भाई, यहाँ पे कुछ क्लोज अप शॉट ले लो। हाँ जी पहला देख लिए होंगे तुमने शॉट्स, अब हम दिखा दो तुम्हें भाई साहब। इसमें ना कुछ लिखा है और ये उर्दू में लिखा है, तुम्हें पढ़नी आती है तो मुझे बताना ये क्या लिखा है कमेंट में। और इधर साइड है, ये सारी की सारी मस्जिद है, मस्जिद मस्जिद बड़ा गुम्बद मस्जिद है ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, तो फिर यहाँ से अंदर जा रहे हैं। इधर लिखा है कि चुपचाप रहें, कीप साइलेंट। देखो चिल्ला के देखो क्या नहीं चिल्लाना इधर, तो इधर अंधेरा है भाई, तुम्हें कुछ दिख कम रहा होगा आई थिंक, बट हमें काफ़ी सही दिख रहा है इधर को। अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है। और जाओ इधर लिख जाते, और यार किसी ने लिखा है लव यू पूनम। पूनम कहाँ है, कौन है पूनम? पूनम तुम्हारे आशिक ने यहाँ लिखा है आई लव यू पूनम, तो प्लीज़ यार ऐसी जगह में मत लिख के जाओ, तुम अपने सब आशिक के नाम लिख के जाओगे ना भर जाएगा ये। दादी ये कब्रें हैं, चलना मन है, लोग बैठ रहे हैं। अच्छा लगे कब्रें हैं, इतनी बड़ी इतना बड़ा लोग होते होंगे तो कोई बात नहीं, इधर अपनी बंदियों का नाम मत लिख के जाओ भाई, अपने हाथों में लिखो नाम को, मैं लिखो मुँह पे सर पर लिख दो अपनी बंदी का नाम। तो भाई हम जहाँ से निकले थे वहाँ पर अपने हिसाब से तो घूम के आ चुके हैं, अब जैसे उधर पे वाटरफॉल है, वाटर वो है, उसमें से समूह है, उसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। क्या था पॉन्ड, क्या बोलते थे उसे, भूल गया मैं फिर से। किसे? वो जो उधर था वाटरफॉल, अबे वाटरफॉल कह रहा है कदा इसको पता भाई साहब को ज्यादा भयंकर। अरे अच्छा वो भूल गया, रहने दे मैं भी भूल गया। तो भाई हाँ अपने हिसाब से घूम के आ चुके हैं, जहाँ से गए थे वहीं पहुँच चुके हैं, और ये 90 एकड़ तो नहीं है मेरे हिसाब से, ढूंढ कितना एकड़ है। आराम से घूम लिया 5-10 मिनट, नहीं नहीं 1 घंटा लगा भाई पूरा घूमने में, बैठे घूमे फिरे इधर को 1 घंटा लगा समथिंग। तो अभी हम दोबारा इधर बेंच में आके बैठ चुके हैं, फिर रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं थोड़ी देर में।